सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस कैमरे के बारे में। आपने टाइटल से वो तो जज कर ही लिया है कि इसे लोग बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा बोलते हैं, बट काफ़ी दिन हो गए ना यार अंदर ही रिव्यू करते हुए, और कैमरा तो यार बाहर ही सबसे ज़्यादा यूज़ करने मज़ा आते हैं। तो चलिए इसके रिव्यू बाहर ही करते हैं। जब तक मैं बाहर जाता हूँ तब तक आप एक इंट्रो देख के आइए। Hey guys, welcome back to Discovery Nearby। जैसे मैंने कहा था कि ये कैमरे का रिव्यू आउटडोर में ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आज मैं बात करने वाला हूँ जिसे लोग कहते हैं बेस्ट व्लॉगर कैमरा, दैट इज़ सोनी ZV-1 या ZV-1। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस कैमरे की पूरी जानकारी दूंगा और आप पर छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें कि ये बेस्ट व्लॉगर कैमरा है 2021 में या नहीं, आपको इसे खरीदना चाहिए या कोई और ऑप्शन देखना चाहिए या नहीं। तो बात करते हैं इस कैमरे के बारे में विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेकिन चलिए पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो ये कैमरा मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और मैंने सिंपल कैमरा ऑर्डर किया था। ये एक व्लॉगर्स किट भी अलग से आती है, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी थी, मेरे पास ट्राइपॉड है तो मुझे खास इस ब्लूटूथ ग्रिप की जरूरत नहीं थी, तो मैंने क्रिएटर कॉम्बो ना लेकर सिंपल कैमरा लिया। सिंपल कैमरा आपको पड़ेगा 60,000 का, लेकिन अगर आप व्लॉगर किट लेंगे तो आपको पड़ेगी 70,000 की। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्रीन प्रोटेक्टर। वैसे मैंने बहुत सारी अनबॉक्सिंग देखी है लेकिन मेरे को किसी में भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं दिखा, तो शायद ये सोनी ने मुझे गिफ्ट दिया है या उन्होंने गलती किया है, जो भी है थैंक यू सोनी फॉर दिस। इसके बाद आपको मिलेगा वारंटी कार्ड, इसके बाद आपको मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और फिर जैसे ही आप फ्लैप को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी डेड कैट, और इसके साथ शू माउंट है जिससे आप इसे अटैच कर सकते हैं कैमरे से। उसके बाद आपको मिलेगी डाटा केबल, ये USB-C केबल नहीं है, सी होती तो मज़ा आता, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको मिलेगा कैमरा, और जब आप कंप्लीटली बॉक्स को ओपन लोगे तो आपको नीचे मिलेगी इसकी छोटी सी बैटरी। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की। तो बेसिकली ये प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीप प्लास्टिक बिल्ड नहीं लगा। वैसे मैंने सोनी RX100 यूज़ किया है, मैंने कैनन का G7X Mark II यूज़ किया है, लेकिन अगर मुझे डिसाइड करना हो कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया डिज़ाइन कौन था, दैट इज़ कैनन G7X Mark II। ये ओवरऑल एक प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन ये आपको हाथ में पकड़कर बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू RX100 सीरीज़ है उनकी। ये मुझे लिटरली बहुत बढ़िया लगा कि इसका हाथ में जो पकड़ के फील है। सेकेंडली जो इसके ऊपर बटन्स हैं, लाइक मोड का बटन, रिकॉर्ड का बटन अलग है, ऑन ऑफ का बटन है, इसमें बहुत सारे बटन्स आपको दिए हुए हैं, और इवन इसके अंदर सारे पोर्ट दिए हुए हैं, और इसके अंदर आपको एक टिल्ट स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, जो आजकल व्लॉगर्स के लिए या आप कोई भी वीडियो बनाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ कंसीडर की जाती है। इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छा ये चीज़ करी कि यह हॉट शू माउंट जो है वो साइड में रखा है, जो कि बहुत बढ़िया है अगर आप कोई माइक माउंट करना चाहें ये, और ये कोई सिंपल माउंट नहीं है, इसके अंदर आप सोनी की बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ हैं जिसके लिए आपको केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने किया है कि इन्होंने जो पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे माइक जैक वगैरह इसके अंदर है, HDMI है, मल्टी पोर्ट है, वो अपोजिट साइड है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी आपकी टिल्ट स्क्रीन में नहीं फंसेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइंड कैमरा है ओवरऑल, आपको कहीं से भी ये अनकंफर्टेबल पहले तो पकड़ने में नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ओवर दी एज प्रीमियम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। अब बात करते हैं जो इसका मेन पर्पस है, दैट इज़ वीडियो फीचर्स। अब इसके वीडियो फीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक तो ये 4K में शूट कर सकता है, स्लो मोशन, फुल HD में 100 FPS, और अगर आप HFR में जाएंगे, मतलब हाई फ्रेम रेट सेटिंग में जाएंगे, तो आप इवन 250 FPS, 500 FPS और 1000 FPS तक जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्लो मोशन है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्लो मोशन ग्रैब कर सकता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी को कंसीडर करेंगे तो 120 FPS और 240 FPS एक अच्छी क्वालिटी देते हैं, और इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो थोड़ी क्वालिटी डिग्रेड होगी, वो फुल HD नहीं लगती दिखने में। तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया है वीडियो के रेजोल्यूशन के हिसाब से। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर अच्छी है, दैट इज़ इसका ऑटो फोकस। इसका ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है एक वीडियो फीचर्स के लिए। और इन्होंने इसके अलावा एक और चीज़ जो अच्छी दे रखी है,
दैट इज टच टू फोकस। इसके अंदर एक फैसिलिटी है, ये टच स्क्रीन कम्प्लीटली टच स्क्रीन नहीं है इसकी स्क्रीन, लेकिन टच टू फोकस है। आप फोकस करने के लिए उसे टच करके किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली फोकस कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। एंड नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर अच्छी चीज है, इन्होंने एक फीचर दिया है प्रोडक्ट शोकेस। तो अगर आप वो व्लॉगर है, ब्यूटी व्लॉगर है, या आप स्क्रीन पर चीजों को दिखाना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर वो फीचर बहुत ही अच्छा है। और ये प्रोडक्ट शोकेस बहुत ही अच्छा फीचर है। इस फीचर की खासियत यह है कि जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट को कैमरे के सामने लाता हूँ, ये फोकस उस पर चला जाएगा, और जैसे ही आप इसे हटाएंगे, ये दोबारा आपके फेस पे आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे लगा कि ये इतना फास्ट है और इतना रिलायबल है, 100% एक्यूरेट है। और इवन ये बड़े ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ये छोटे ऑब्जेक्ट के साथ भी चलता है। तो अगर आप एक ब्यूटी व्लॉगर हैं या ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आपके लिए तो ये कैमरा वरदान साबित होगा। तो जल्दी जाइए, लिंक में दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कैमरे को जल्दी से खरीद लीजिए। और इसके अलावा जो इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर है, दैट इज इसकी स्टेबलाइजेशन। इसके अंदर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है, जो आपको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ओवरऑल एक वीडियो के लिए ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। बात करते हैं इसके लेंस की। अगर आप वीडियो फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये लेंस लो लाइट में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका अपर्चर 24mm पर 1.8 है और 70mm पर भी 2.8 जाता है। ओवरऑल इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो वीडियो के मामले में मैं इसे देना चाहूँगा 10 out of 10, क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्राइस है, जिस हिसाब से इसकी कलर साइंस है, जिस हिसाब से ये परफॉर्म करता है, वो एक्सीलेंट है। इस प्राइस रेंज में आपको इतने अच्छे वीडियो फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अब कुछ वीडियो सैंपल्स। और जो नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए कैमरा यूज होता है, दैट इज़ फोटोज़ के लिए। अब मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा, ये फोटोज़ के लिए DSLR से बहुत बेटर नहीं है, लेकिन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन को, तो ये उससे बहुत बेटर है। ये बहुत अच्छी फोटोज़ लेता है। इसके कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मेरी फोटोग्राफी स्किल्स इतनी ही है, अगर आपकी मेरे से बेटर है, तो आप मेरे से भी अच्छी फोटोज़ ले सकते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके ऑडियो टेस्ट की। अब सोनी की तरफ से उन्होंने इनबिल्ट माइक इसका बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। उनका कहना यह है कि हमने बहुत ज़्यादा इसका इनबिल्ट माइक इंप्रूव कर दिया है, और इसके साथ साथ इन्होंने एक डेड कैट भी प्रोवाइड की है। तो चलिए इसका एक ऑडियो टेस्ट देखते हैं। सो राइट नाउ जो आप ऑडियो सुन रहे हो, वो इस कैमरे की इनबिल्ट ऑडियो है। अभी मैंने कोई भी डेड कैट नहीं लगाई है, और ये मुझसे कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे लगाता हूँ डेड कैप और दिखाता हूँ आपको क्या फ़र्क आता है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी तो हवा चली रही है। सो अभी मैं डेड कैट अप्लाई करता हूँ। डेड कैट जो इसके साथ आई थी, जिसे मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैंने अब इस पर डेड कैट लगा दी है। तो इस समय वही हवा चल रही है थोड़ी बहुत। आप जज कर सकते हैं कि इस समय कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। अगर आप इसकी ऑडियो क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं, तो जो पहले मैं कर रहा था दैट वाज फ्रॉम रोड माइक, लेकिन अभी इसके इंटरनल ऑडियो से है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी, तो आप एक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक हेडफोन जैक ऑलरेडी मौजूद है। और इस समय हवा बहुत तेज़ चल चुकी है, तो आप देख सकते हैं पीछे पेड़ हिल रहे हैं। दैट मीन्स कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़ी सी हवा है, काफ़ी हवा है यहाँ पर। और जो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की, दैट इज़ कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन ND फिल्टर देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप ब्राइट डे लाइट में हैं, तो आप उसका यूज़ करके अपनी लाइट कम कर सकते हैं, ताकि आपको शटर स्पीड ज़्यादा ना बढ़ानी पड़े। सेकेंडली जो इसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर अच्छा है, कि इसके अंदर आपको सोनी की बहुत सारी पिक्चर प्रोफाइल्स देखने को मिल जाएगी,
जिसकी वजह से आप एक सिनेमैटिक क्वालिटी अचीव कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग में, अगर आप कलर ग्रेडिंग करना आपको बहुत अच्छे से आता है या आपको शौक है कलर ग्रेडिंग करने का। और नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इन्होंने बटन दिया हुआ है, एक ही बटन से आप अपने बैकग्राउंड डीब्लर कर सकते हैं अगर आप ऑटो सेटिंग्स पर शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये कई लोग जो ऑटो पर शूट करते हैं पॉइंट एंड शूट पर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये बैकग्राउंड डिफोकस बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखना कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल डिफोकस हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि बटन दबाते ही इंस्टेंटली आपका जो बैकग्राउंड है वो डिफोकस हो जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो ऑटो में शूट करते हैं और ज़्यादा सेटिंग्स में उलझना नहीं चाहते। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो प्रोडक्ट शोकेस फीचर है ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर एक और अच्छा फीचर है, दैट इज़ अ टैली लाइट। इसके जैसे ही आप रिकॉर्डिंग ऑन करोगे वीडियो की तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, इससे आपको पता रहता है कि आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल चीज़ है, बेशक ये छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने आपको इसके सारे फीचर्स तो एक्सप्लेन कर दिया, बात करते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस, इसके वीडियो कैपेबिलिटी, इसके वीडियो रेजोल्यूशंस, इसकी स्टेबिलिटी, बिल्ट इन एनडी फिल्टर्स और कलर साइंस, टिल्ट स्क्रीन, तो ये सब इसको एक बढ़िया चीज़ बनाती हैं। और जो भी मैंने फीचर्स एक्सप्लेन करे इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं। अब जो इसके अंदर कमियां मुझे लगी वो कोई बहुत बड़ी कमियां नहीं है, लेकिन अगर आप कंसीडर करेंगे उसे कमियां, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लेंस है वो इंटरचेंजेबल नहीं है। और अगर आप इसे व्लॉगिंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, क्योंकि ये 24mm है और अगर आप एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन रखेंगे तो ये और क्रॉप कर लेता है। एक अच्छी व्लॉगिंग के लिए आपको कम से कम 15mm का लेंस चाहिए होता है, तो 24mm उतना वाइड नहीं है, एक कमी तो ये है, और इसका आप लेंस चेंज नहीं कर सकते। दूसरी जो कमी मुझे लगती है दैट इज़ कि ये वेदर सील्ड नहीं है। वैसे तो इस रेंज में आप कोई भी कैमरा लेंगे, DSLR या मिररलेस लेंगे, तो मोस्टली आपको वेदर सील्ड नहीं मिलेंगे, तो ये दो छोटे छोटे कोन हैं। और इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो बैटरी आती है वो बहुत ही छोटी सी है। ये RX100 के साथ भी यही बैटरी आती है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बैटरी सोनी ZV-1 पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू RX100। बाकी ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप एक एक्स्ट्रा बैटरी लेकर इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की, क्या ये 2021 में एक बढ़िया कैमरा है व्लॉगिंग के लिए या यूट्यूब के लिए? तो मेरे अकॉर्डिंग उसका आंसर आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप इसे बी कैम के लिए ले रहे हैं, चाहे आपके पास बड़े कैमरे ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए तो गो फॉर इट, बिना झिझक के आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि एक एडिशनल कैमरा आपको कैरी करने में ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बात करते हैं प्राइमरी कैमरे की, तो उसमें थोड़ा डिबेट करने वाला मुद्दा आ जाता है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं तो एक ही कैमरे से तो आपको वाइड एंगल लेंस की भी जरूरत पड़ेगी, आप डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज लेना चाहेंगे डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए, जो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा आप मिररलेस कैमरा भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप मिररलेस कैमरा में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लेंसेज पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको ND फिल्टर्स वगैरह भी एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसका प्राइस 1,00,000 से ऊपर चला जाएगा, और फिर भी आपको इतनी अच्छी स्टेबिलिटी और इतना अच्छा स्लो मोशन नहीं मिलेगा, और जो इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं एक्सक्लूसिव वो भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जो इसकी फोकल लेंथ है 24mm टू 70mm, ये बहुत ही आइडियल फोकल लेंथ है, तो आप इस कैमरे के लिए ज़रूर जाएं। अगर आपको ये कैमरा अच्छा लगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कैमरे का, आप वहाँ से जाके खरीद लीजिए, उससे इस चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप उस लिंक से खरीदेंगे। सो जाइए कैमरे को परचेज कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश कीजिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। शाम बहुत हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं घर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।